नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूं आपका गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, इस शिवरात्रि पर आप महादेव का किस चीज से रुद्राभिषेक करें, कैसे आपको ज्यादा सुखों की प्राप्ति हो सकती है, कौन सी चीज आपके जीवन में आपको क्या दे सकती है, आज बताने जा रही हूं कुछ ऐसे ही जल अभिषेक, ऐसे ही रुद्राभिषेक के बारे में। क्या करें, कैसे करें, ये सब की जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक के बारे में आप लोग बात करना चाहते हैं। आज मैं कुछ ऐसे बताऊंगी आपको उपाय जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान को रुद्राभिषेक करना है। इस महाशिवरात्रि पर ये रुद्राभिषेक आपको बहुत कुछ दे सकता है। वे लोग जो चाहते हैं कि मेरे घर के अंदर मेरे बच्चों की बुद्धि बहुत तीव्र हो, वो जो बात पढ़ें, जो बात सीखें, वो उनको हमेशा याद हो, उनकी आगे प्रोग्रेस हो, ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों का हाथ लगाकर यदि दूध में मिश्री डालकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो उनके बच्चों की बुद्धि बहुत ही तीव्र होगी। वैसे तो ये उपाय महाशिवरात्रि के दिन करना है, लेकिन आगे आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसे लोग जो भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, जी हाँ, आपको आपकी डेली लाइफ बहुत अच्छी चाहिए, बहुत लग्जीरियस चाहिए, तो आप भगवान शिव को गन्ने के रस से अभिषेक कराइए। जी हाँ, गन्ने के रस से किए हुए अभिषेक से आपको बहुत सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। मैं बार बार कह रही हूँ, क्यों सिर्फ इस महाशिवरात्रि, रेगुलर कीजिए ना, जो चीज़ आपको फ़ायदा करती है उस काम को करते रहिए। अगला उपाय, यदि आप लोग भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो पहली बात तो आपके मन को बहुत शांति मिलती है, आपके मस्तिष्क में ठंडक बनी रहती है, आपको कभी भी, जैसे बहुत सारे लोगों को चिंता होती है, डिप्रेशन होता है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसे लोग यदि गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। अगला उपाय, अगर आपके घर में किसी को बहुत गंभीर रोग भी है, मैं नहीं कहती कि भगवान किसी के घर में गंभीर रोग हो, लेकिन यदि आपके आस पड़ोस में या किसी भी व्यक्ति को यदि गंभीर रोग है तो उसके लिए ये उपाय बहुत ही कारगर साबित होगा। भगवान शिव को आपने 3 माला ओम नमः शिवाय के जाप की करनी है, साथ ही साथ गंगा जल और दूध से मिला हुआ जल भगवान को आपने अर्पित करना है। जी हाँ, भगवान शिव की इस प्रकार पूजा यदि करेंगे तो ये महाशिवरात्रि आपको बहुत 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 कुछ देकर जाएगी। और बाबा भोलेनाथ तो ऐसे ही हैं जो सिर्फ आपके भाव से ही आपको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। सबसे जल्दी खुश होने वाले सिर्फ भोले बाबा ही हैं, तो ये छोटा सा उपाय करके कीजिए ना अपने भोलेनाथ को प्रसन्न और पाइए अपने जीवन के बहुत सारे सुखों को। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।